शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी चावल के फर्रे जो हम बचे हुए चावलों का उपयोग करके बना रहे हैं। इसके लिए सामग्री है, देखिए हमने मेरे पास एक बड़ी कटोरी बचे हुए चावल है। अब मैंने एक छोटी छोटी कटोरी चावल काटा लिया है, कुछ हरी मिर्च ली है, सफ़ेद तिल, धनिया पत्ती, जीरा, नमक, राई और तेल। देखिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल को एक डोंगे में हम डालेंगे और उसे थोड़ा मसेंगे हाथ से। इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं, हल्का सा। अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा सफेद तिल डालेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। देखिए ये व्यंजन छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड यहाँ अक्सर बनाया जाता है और ये एक बहुत स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला व्यंजन है। आप भी जरूर इसे घर में बनाइए। ये देखिए इस तरह से गूंथ लेंगे। अब गूंथने के बाद इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। देखिए ये लोइयां बन गई हैं। अब हम इसे ऐसे लंबे लंबे इस तरह से ऐसे एक प्लेट में सजाएंगे। ये उंगलियों जितने मोटे होने चाहिए, न ज्यादा पतले न ज्यादा मोटे। अब हमने इस तरह से हाथों से बेल बेल के चावल के ऐसे फर्रे तैयार किए हैं। अब हम इन्हें स्टीम लेंगे। अब हम एक कढ़ाही लेंगे। देखिए मैंने एक कटोरी रखी है और मैं इसमें एक कटोरी एक ग्लास पानी डालूंगी और इस पे ये फर्रे की प्लेट रखूंगी और इसे ढक दूंगी और इसे 7-8 मिनट स्टीम होने दूंगी। देखिए अब करीब 8 मिनट हो गए हैं और ये हमारे फर्रे स्टीम हो गए हैं, पक गए हैं। अब हम गैस बंद करते हैं, इसको तड़का देंगे। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा इसमें तेल डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च इसमें तोड़ के या काट के डालेंगे। अब ये तेल गरम हो गया है, इसमें हम थोड़ी राई डालेंगे और राई को तड़कने देंगे, नहीं तो वो मुंह में कड़वा स्वाद आता है उसका, तो इसलिए राई को तड़कने देंगे। देखिए तड़क रही है। अब हम इसमें सफेद तिल डालेंगे। और थोड़ा जीरा भी डालेंगे और इसे हम चलाएंगे। देखिए ये तड़कने की आवाज आ रही है। अब हम इसमें ये जो फर्रे हैं ये डालेंगे और इन्हें हम चलाएंगे और 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ये बन गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए बचे हुए चावलों से स्वादिष्ट फर्रे तैयार हैं। इसे हम टमाटो केचप, हरी चटनी, लहसुन की चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी इसे घर में बनाइए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।